फिलहाल अभी की जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो जो सक्रिय पुलिस की जो तस्वीर है वो देखिए, सक्रियता बढ़ गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, साथ ही जो मुख्तार का जो जो आवास है उसको चारों तरफ से बैरिकेडिंग से घेर दिया गया है। ज़्यादा भीड़ अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, जो भीड़ जा रही है उसको तुरंत बाहर भेजा जा रहा है। इसको लेकर ही परिवार से चर्चा भी हुई है कि जो लोग संवेदनाएँ व्यक्त करने आ रहे हैं उनको ज़्यादा देर तक रोका नहीं जाए ताकि भीड़ कम हो सके, भीड़ ज़्यादा न हो सके। लेकिन अगर समर्थकों की संख्या की बात करें तो जैसे जैसे समय करीब आ रहा है उस काफिले का जो यहाँ पर आने वाला है, जिसका सुबह से लोग इंतजार कर रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि सुबह 10 बजे कहा जा रहा है कि जो शव है उसको सुपुर्द खाक किया जाएगा। जी, भीड़ बढ़ने लगी है, समाजवादी पार्टी के कई नेता पहुंचे हैं और समाजवादी पार्टी की ओर से स्टैंड क्लियर कर दिया गया है कि मुख्तार अंसारी की इस मौत पर सवाल उठाना है, संवेदनाओं को भड़काना है एक विशेष समुदाय के, और यही वजह है कि बार बार इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि संदेह बढ़े, लोग सवाल उठाएं और लोगों को लगे कि हाँ जो कुछ हुआ कुछ ना कुछ साजिश जरूर है, जबकि ये क्लियर है चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या मेडिकल रिपोर्ट हो कि मुख्तार अंसारी की स्थिति कैसी थी और हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है, ना कि कोई और इंसिडेंट मुख्तार अंसारी के साथ हुआ है। और ऐसे में अब नेताओं का वहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाना, यानी कि सियासत को चमकाने की पूरी तैयारी भी हो चुकी है, एक इंसान की मौत पर सियासत चमकाने की तैयारी विपक्ष ने कर ली है। रवि जी बिल्कुल, देखिए चुनाव का समय भी है और लगातार ये जो सियासत एक खास वोट बैंक है और उस वोट बैंक को रिझाने के लिए लगातार सियासत जारी है। एक मौत पर सियासत का जो खेल है वो सुबह से ही शुरू हो चुका है और उसकी तस्वीर भी यहाँ पर देखने को मिलने लगी है। समाजवादी पार्टी के नेता लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी संवेदनाएँ व्यक्त कर रहे हैं और साथ ही मौत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जबकि खुद जो डॉक्टरों ने उन्होंने ये बात साफ किया कि दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। साथ ही जो पुलिस है, जो प्रशासन है, उन्होंने मुख्तार के परिवार के साथ पूरी सहयोग किया है। पोस्टमार्टम लंबा समय लगा है, डॉक्टरों की टीम बैठाई गई है, पंचनामा पूरे तरीके से किया गया है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से इस मौत पर सियासत खेली जा रही है, साफ है कि रिझाने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जैसे जैसे समय करीब आ रहा वैसे वैसे जो प्रशासन की सक्रियता है वो बढ़ती जा रही है। वाहन जो है डीएम, मजिस्ट्रेट और एसएसपी की है, जो ये अंदर थे, मुख्तार अंसारी के आवास के अंदर थे, लंबी बातचीत चली और उसके बाद अभी जो पूरा जो फोर्स है वो अभी वापस गया है, साथ में जितने आला अधिकारी हैं वो अभी बाहर गए हैं, आवास के बाहर गए हैं, और अभी ये सारे लोग यहाँ पर लगातार ड्यूटी पर तैनात है। सुबह से ही पूरा फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर देखा जा रहा है, लेकिन अभी संख्या बढ़ गई है और जैसे जैसे समय करीब आ रहा वैसे वैसे जो अधिकारी हैं वो परिवार के और रिश्तेदारों के संपर्क में लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हालांकि पहले से ही परिवार ने बता दिया है कि सुबह 10 बजे मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा, लेकिन उसके पहले शव के आने के पहले जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका लगातार जायजा लेने के लिए, उसको लगातार कायम रखने के लिए जो अधिकारी है वो यहाँ पर लगातार उसका जायजा ले रहे हैं। जी बने रहे रवि हमारे साथ, तो हलचल बढ़ गई है वहां पर, अब कुछ ही घंटे का वक्त रह गया है जब मुख्तार अंसारी का शव पहुंच जाएगा गाजीपुर, और इससे पहले प्रशासनिक हलचल वहां पर तेज हो गई है।